सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो कल हमने आपको एक इशू रेज किया था नैनीताल में, जो झील में कूड़ा जा रहा है, और वो इशू को हम लोगों ने हाईलाइट करने की कोशिश करी थी कि ये नालों से जो कूड़ा नैनी लेक में समा रहा है, एक चिंता का विषय है। तो आज उस कूड़े को हटाने के लिए नगर पालिका के द्वारा प्रयास किए गए, और नगर पालिका की पूरी टीम ने और बोट चालक समिति ने लग करके उस कूड़े को हटाने की कोशिश करी है। हालांकि पूरा काम नहीं हो पाया है अभी भी, क्योंकि साधन सीमित होने के कारण, और आज सैटरडे और संडे का लोड होने के कारण भी ये जितना संभव हो पाया उतना पूरा किया। लेकिन नागरिकों के कर्तव्य को भी एक चेतना जागृत करने की आवश्यकता है, तो इसलिए दोबारा से इसी चीज़ के टॉपिक पे हमने सोचा कि आज एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे को शूट किया जाए, और आप सब लोगों से आग्रह किया जाए कि इस तरह की चीज़ को दोबारा से ना करें। कोशिश करें कि नैनीताल में जो कूड़ा है उसका सही से निस्तारण करें और सही तरीके से उसको डिस्पोज करें। जगह जगह जहाँ डस्टबिन्स लगाए हैं वहाँ पर उन डस्टबिन्स में उन कूड़े को फेंकें। अदरवाइज़ वो होता क्या है कि नालियों में कूड़ा हम फेंक रहे हैं और वो सीधे जब बारिश आ रही है तो सीधे लेक में जा रहा है, और फिर लेक में डिपोजिशन हो करके वो फिर एक तरह से झील के अस्तित्व को खतरे में और संकट में डाल रहा है। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दिखाते हैं कि कैसे आज नगर पालिका की टीम ने बोट चालकों के साथ में मिल करके इस झील को साफ करने का एक प्रयास किया है। तो बने रहिए ब्लॉग में, और पूरा अंत तक इस वीडियो को देख करके अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स न सिर्फ हमें मोटिवेट करेंगे बल्कि उन लोगों को भी मोटिवेट करेंगे जिन्होंने ये पहल करी और इसको अपना कर्तव्य समझ करके साफ करने का प्रयास किया। ये वीडियो हमें भेजा है मोहित भाई ने। मोहित भाई सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक करके निकले तो देखा तो लेक पे यह हाल था। हमने कल आपको एक वीडियो दिखाया हुआ था नैनी लेक का, उस समय यहाँ पे कोई इतना कूड़ा नहीं था, लेकिन आज देखे तो भाई साहब ये तो ज़बरदस्त गंदगी, और ये सारी क्योंकि एरिएशन हुआ होगा रात में तो साइड हो गया सारा, और पता नहीं कितना नीचे गया होगा। कल हुई बारिश के बाद में ये नैनी लेक में जो कचरा आप देख सकते हो, इतनी संख्या में ये कचरा यहाँ पे आया हुआ है, और इस समय यहाँ पे ये कचरे की सफाई को नगर पालिका परिषद के द्वारा कराया जा रहा है, और साथ में खुद यहाँ पे को ऐसा ही नैनीताल नगर पालिका यहाँ पे खुद अपने सामने ये करा रहे हैं नाव चालकों और अपने कर्मचारियों के साथ में मिल करके। ये कल भी हमने ये विषय को उठाया था और बार बार इस चीज़ को कहते जा रहे हैं कि ये कचरा अगर कहीं से आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे ही द्वारा फेंका गया कचरा होता है, जो नालियों में या घर के बाहर हम लोग जो फेंकते हैं वो ये कचरा इस तरह से इकट्ठा हो करके यहाँ पे कोई नैनीताल झील में सीधे समा रहा है, आप देख सकते हो। सब प्लास्टिक और ये पता नहीं कितना असंख्य कचरा है जो यहाँ पे को आप देख सकते हो कि ये निकाला जा रहा है। ये नाव चालक है जो यहाँ पे को नगर पालिका का सहयोग कर रहे हैं इस समय। और ये दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए ये विचलित करने वाली जरूर होती है, क्योंकि ये जो गंदगी है, ये गंदगी देख सकते हो आप किस प्रकार से है, और यही अगर गंदगी रही तो कल को ये झील का अस्तित्व भी संकट में है। शायद आप भी बोटिंग ना कर पाओ, हम लोग बड़े खुश होकर के कहते हैं कि बोटिंग नैनीताल में हो रही है या ये सारी हो रही, लेकिन ये सारी जगहों के इकट्ठा किए हुए नालों का ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे को ये बनाया है इस तरह से। ये जब ब्रिटिशर्स ने नैनीताल को बनाया था तो वो नाले आके इस लेक को रिचार्ज करते थे, लेकिन आज ये रिचार्ज के बजाय में ये पूरी लेक में कचरा यहाँ पे को समा रहा है। साथ हमारे साथ इस समय यहाँ पे नैनीताल नगर पालिका के एस आई कुलदीप कुमार जी हैं, आइए जानते हैं उनसे और उनका भी एक यहाँ पे को पक्ष लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कोई ये गंदगी जब कल झील में आई तो क्या आज अब जब सफाई कार्य चल रहा है तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है। नमस्कार सर,
कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैनी झील जो है हमारी नैनीताल शहर की जीवनदायिनी है, इसको हम माँ के रूप में मानते हैं। लेकिन जैसे ही कोई बारिश वगैरह होती है, हो क्या रहा है, देखने में आ रहा है कि सभी नालों से इसमें बेतरतीब तरीके से कूड़ा आ रहा है। मेरा शहर वासियों से, जो भी नाले किनारे रहते हैं या आसपास में, उनसे निवेदन है कि अपने घरों का कूड़ा, जो आपके घर कूड़ा उठाने डोर टू डोर संस्था कर्मचारी आते हैं, या नज़दीक में जो कूड़ेदान रखा है पालिका द्वारा, आप उसी में उसका कूड़े का निस्तारण करें, नालों में ना फेंकें, क्योंकि हम इस झील का पानी पीते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो स्थिति देखने को मिल रही है, आज आधी झील में कूड़ा ही कूड़ा है, ये बड़ी लापरवाही दर्शाई जा देखी जा रही है लोगों के द्वारा कि अपने शहर को और झील को गंदा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप एक सभ्य व्यक्ति नागरिक होने का एक अपना परिचय दें और निवेदन है कि ये झील और नालों में अपना कूड़ा ना डालें। ये देख सकते हो आप, ये सफाई हो रही है, नैनी झील में से कचरा निकाला जा रहा है बाहर, लेकिन ये दिखाता है, देखिए यही झील के पानी को हम पीते हैं, और इतना गंदा जो पानी जब प्रदूषित हो जाता है, उस पानी को साफ करने के लिए भी हमें यहाँ पे कोई फिल्टर प्लांट लगाना पड़ेगा। ये वो नाव चालक हैं जिनका सीधा आजीविका का आधार यहाँ पे कोई इस लेक के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो वो लोग कितने कंसर्न्ड हैं यहाँ पे को, क्योंकि जिसकी जीविका का आधार होता है तो वो उसको बचाने का भी उतना ही प्रयास करता है। आइए चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे को जो नाव चालक समिति के सदस्य हैं। दादा क्या कहना चाहोगे? सर ये कल की बारिश में ये जो कूड़ा है पूरे नालों से आया हुआ है, और इसकी सफाई नाव चलाने वालों के द्वारा भी किया जा रहा है और नगर पालिका द्वारा भी किया जा रहा है। शहर के नागरिकों को क्या, जो रह रहे हैं यहाँ के, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि जीवन का आधार तो सबका है ना, लेकिन काम आपका ही नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कूड़े को व्यवस्थित करके फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें, और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जब तक लेक है तभी तक नैनीताल है, और लेक नहीं होगा तो नैनीताल जीवित नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक और हमारे नाव चालक समिति के सदस्य हैं, संजय भाई कैसे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें सर, देखिए नैनीताल का कूड़ा पूरा हमारे स्थानीय लोग, पूरी नाव चालक पूरा लगा, पूरा नगर पालिका लगा हुआ है, फिर भी उसके बाद टोटल सारा कूड़ा ऊपर का देख लीजिए। ये संकट नहीं दिखता है आपको? संकट ही है, आने वाला संकट ही है, नैनीताल का भविष्य पूरा खराब है इसमें पूरा। हम तो दिन रात लेक में रहते हैं, हमें तो सारा पता है, जो लेक का आज पानी जो सूखने का कारण क्या ये है, इसके जो मेन स्रोत जो है सब ढक चुके हैं, सब बंद हो चुके हैं, ये सब कूड़ा है, ये सब सब स्रोतों के अंदर जाएगा तो कहाँ से पानी आएगा। बहुत सही बात कही है कि जब स्रोतों से रिचार्ज ही नहीं होगा तो लेक कहाँ बचेगी, और लेक पे जब संकट खड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से फिर कुछ नहीं रहेगा आधार। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसमें सोचने की चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे आप हम अपनी आजीविका को चलाएंगे, हम कैसे अपना जीवन का आधार चलाएंगे, क्योंकि यही झील के पानी को हम पीते हैं। और आप देख सकते हो कि हम क्या पी रहे हैं, क्या क्या गंदगी यहाँ मिली हुई है, चप्पल से लेके सारी चीज़ें, हम लोग जब ये इस तरह की देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है कि इस तरह से हमारी अपनी हम अपनी सभ्यता की निशानी को यहाँ पे को दिखा रहे हैं। ये मेरे को भी बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आज आपको इस तरह के वीडियोस पिछले दो दिन से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये देखने का विषय है, सोचने का विषय, मैंने कल भी बोला था एक बदलाव का विषय ज़रूर आना चाहिए। चिंता करिए, सोचिए कि मात्र उपभोग के लिए झील को न रखें, ये माँ के समान है, और जब हम कहते हैं कि धरती माँ हमारी है तो उसकी एक एक चीज़ की रक्षा करने का भी, सोचने का भी अधिकार हमारा ही है, ये कोई दूसरा आकर के आपको नहीं वो करेगा। एक घंटे से ये सफाई अभियान चल रहा है, और इस एक घंटे के सफाई अभियान में आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी को यहाँ से निकाला गया है, और फिर भी अभी भी उतना ही भरा पड़ा है। कितनी गंदगी है जो ऊपर की लेयर में है, ये तो निकाल करके लाते जा रहे हैं, ये आप देखो बोट की हालत, ये देखिए आप, ये कितनी मात्रा में कचरा है, ये सफाई कर रहे हैं भाई लोग। ये देखिए अभी तेल का डिब्बा, ठीक है, ये घर के खाने के रिफाइंड ऑयल के डिब्बे हैं, और ये डिब्बे अगर किसी ने फेंके हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी आदमी को इसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने क्या किया है।
ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जो दिखाई नहीं जा सकती हैं कि हम क्या फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं। सोचिएगा, जब जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी हैं आपके, उन चीज़ों को आप इस तरह से फेंक करके यहाँ डाल लें और उसी का पानी पी रहे हो, तो सोचो बॉस की क्या पी रहे हो। माफ़ी चाहूँगा, ऐसा वीडियो आपको दिखाने पड़ रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस को दिखाने के बाद भी अगर आपकी आत्मा नहीं जागती है तो फिर हम लोग बेकार हैं। हम लोग अगर इसी तरह से अपना करते रहे तो आने वाले समय में आपको न पानी मिलेगा, न शुद्ध हवा मिलेगी, कुछ नहीं हो करेगा। हमारे साथ तल्लेताल थाने में तैनात चीता मोबाइल हमारे अमित भाई यहाँ पे हैं। अमित भाई बहुत सजग रहते हैं हर चीज़ों के लिए, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। झील के किनारे खड़े थे, यहाँ पे को देख रहे थे, वो भी यहाँ पे को इनके साथ सहयोग कर रहे थे, तो मैंने उनसे भी एक वो किया। अमित भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये हमारे नैनीताल नगर की सम्मानित जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये पवित्र नैना देवी मंदिर की नैनी झील के नाम से विख्यात है। यहाँ का पानी लोग यहाँ पर पीते हैं पानी, और इसको साफ़ सफाई में विशेष ध्यान दें। इसका इसमें गंदगी, कूड़ा कचरा जो भी फेंकते हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, प्लास्टिक्स वगैरह निकल रहा है काफ़ी मात्रा में यहाँ से, तो उसको ना फेंकें। और जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं, पर्यटकों से विशेषकर अनुरोध है कि वो झील में बोटिंग करते समय इस प्रकार की जो पॉलिथीन वगैरह हैं और ये रैपर्स वगैरह हैं ना फेंकें, बॉटल्स वगैरह ना फेंकें। ये हमारी नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध झील है। बस यही अनुरोध करूँगा कि इसको इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें। ये देख सकते हैं आप कितना भारी मात्रा में यहाँ पे कचरा है और ये किस तरीके से निकाल रहे हैं। पैडल बोट में इसको निकाल करके रखा जा रहा है, फिर उसको साइड पे लाया जा रहा है। हकीकत में जब हमारी कोई अपनी इस तरह के कामों से दूसरे को परेशानी होती है, स्वाभाविक रूप से सफाई कर्मचारी भी अपनी जान हथेली में रख करके इस तरह से कामों को करते हैं। स्वाभाविक आप कह सकते हो ये तो उनका काम है, लेकिन काम उनका भी है और दायित्व तो हमारा भी है। हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को जिस तरीके से हम साफ़ करते हैं वैसा ही साफ़ सुथरा हम अपने शहर को भी रखें, तभी हमारी पहचान भी है, तभी हमारी सभ्यता की निशानी भी दिखती है। ये देख सकते हैं क्या क्या निकल रहा है यहाँ गंदगी, किस तरीके से ये गंदगी को निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमें समझ नहीं आती है तो फिर तो शायद समय ही हमें समझा पाएगा। जिस दिन हमें कुछ नहीं मिलेगा उसी दिन हम समझेंगे कि क्या था इसका अस्तित्व, क्या रहा। ऐसे कई वाक्य हैं, कई मैंने देखी हैं ऐसी लेक्स को, जो लेक्स कभी पहले बहुत शानदार तरीके से थी लेकिन आज उनका अस्तित्व ही संकट में है। नदियां हैं, आप देख सकते हो कि कई ऐसी नदियां हैं जिनके अस्तित्व को बचाने के लिए आज गंभीर प्रयास हो रहे हैं, उन नदियों का भी यही हाल है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहती है, यह सिर्फ नगरपालिका का काम है या प्रशासन का काम है, बल्कि हमारा भी दायित्व है कि हम अपने नगर को साफ रखें, स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो शायद पसंद आए, क्योंकि मैं नहीं समझता पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।